मैं सौरभ वर्मा, आज आपको चिकपी जिसको हम नॉर्मली चने कहते हैं उसके बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। चने जिसको आप नॉर्मली हर किचन में पा सकते हैं, आपके पास आपको कुछ नया नहीं करना है, आपके पास चने पहले से हैं तो आपको बाहर से कुछ नया लेके नहीं आना है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और इसकी हर तरह के जितने मैं बेनिफिट्स बता रहा हूँ उसको आप पूरे ध्यान से सुने और उसके पूरे हर तरह के बेनिफिट्स को उठाने की पूरी पूरी कोशिश करें। लोग क्या करते हैं ना, लोग बाहर से जाते हैं, बाहर से प्रोटीन रिच, विटामिन रिच, हर तरह के मतलब की प्रोडक्ट लेके आते हैं और उनको लगता है कि उनसे उनको पूरा बेनिफिट होगा, लेकिन उनको पूरा बेनिफिट नहीं होता है, उससे उनको नुकसान भी होता है और हर तरह के मतलब की डिसीज़ टाइप की वो भी हो सकती हैं। लेकिन उनको आप उनके पास चना पहले से है तो उस चने को मैं चाहता हूँ कि उस चने को प्रेफर करें। चने में हर तरह के प्रोटीन्स भी होते हैं, उसको आप खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और कुछ लोग क्या होते हैं ना, जिनका वेट ज़्यादा होता है तो वो क्या करते हैं कि वो अपना वेट लूज करने के लिए वो मतलब कि बाहर से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता है। तो आपको आप चने खाएंगे तो उससे भी कोई नुकसान नहीं होना, वो अपने डाइट में चने को खा सकते हैं। और डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है, ये क्या करता है ना, ये डायबिटीज़ को भी कम करता है। तो आप एक काम करें कि आपको मैं राज की बात बताता हूँ जो कुछ लोगों को पता नहीं होती है। ये क्या होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट डिश भी होता है जो कि बहुत धीरे धीरे मतलब डाइजेस्ट होता है और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम रखता है। इससे क्या होता है ना, इससे हमारे जो डायबिटीज़ होती है डायबिटीज़ को भी ये कम कर सकता है। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो भी इसको खा के मतलब नॉर्मल रूटीन में खाएंगे और इससे उनको बेनिफिट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब कि नॉर्मली ये फालतू चीज़ें यूज़ ना करते हुए अगर आप चने को खाएंगे और चने की हर तरह के मतलब बेनिफिट्स को आप देखेंगे तो चने को ही आप प्रेफर करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप चने को प्रेफर करें। और कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स भी हैं। अब जैसा कि आपको सब पता है कि मतलब कि इस टाइम में क्या हो रहा है कि इस टाइम में कार्डियक डिजीज बहुत सारी हो रही हैं, बहुत लोगों को हो रही हैं। जैसे कार्डियक की बहुत सारी डिजीज होती हैं, हार्ट डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं, जैसे हमारा हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, आर्थरोसिस हो गया, इसको हम आर्थरोसिस को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं। इन तरह की डिजीज को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो इसको हम चने से भी प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हमें अर्ली स्टेज में अगर हमें इसको प्रिवेंट करना है तो। क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि हम मतलब कि बहुत सारी दवा वा लेके इसको मतलब कि स्टार्टिंग में हम ध्यान नहीं देते हैं कि मतलब हमें डिजीज हो रही नहीं हो रही है। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग में ध्यान दे देंगे तो हमें क्या होगा कि हमें ज़्यादा मतलब कि हाई लेवल दवा खानी नहीं पड़ेगी। तो हमें पहले ही इसको मतलब चने खा के भी हम इसको क्योर कर सकते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। तो अगर हम चने खाएंगे, चने से हमारा हीमोग्लोबिन कंटेंट भी बढ़ता है। तो हमें जितने ज़्यादा हम चना खाएंगे उतने ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ेगा और वो हमारी पूरे बॉडी पार्ट्स को ईजिली सफिशियंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। तो हमें ये आराम से ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और ऑक्सीजन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज होती हैं, जैसे हमारे एम्फाइजमा हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गई, इन सब में क्या होता है, इन सब में हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी ब्लॉक हो जाती हैं और रप्चर भी हो जाती हैं। तो अगर हम इजिली चने खाते रहेंगे तो हमें क्या होगा ना कि हमारे मतलब पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलती रहेगी और हमारे जो पूरे जितने ब्लड वेसल्स हैं सारे ओपन हो जाएंगे और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू और न्यूट्रिशनल कंटेंट्स हैं सारे हमारे बॉडी के अंदर मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में रहेंगे। तो इससे हमें ये सब ये और हमें जितने हमें हमारे मेल को बेनिफिट हो रहा है इससे उतने हमारे फीमेल को भी बेनिफिट होता है। फीमेल में कार्ड वो होता है कहते हैं आपके ब्रेस्ट से रिलेटेड डिजीज होती हैं और मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम होती है, तो इन सबको भी वो प्रिवेंट कर सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हमारी जो बोन होती है वो वीक हो जाती है, बोन में जो कैल्शियम का कंटेंट होता है वो कम हो जाता है और इससे हमें अगर हमें बोन को भी हमें मतलब स्ट्रांग बनाना है तो हमारी बोन भी स्ट्रांग हो सकती है और हमारा जो एनर्जी लेवल भी हमारा मतलब कि मेंटेन रहेगा, एनर्जी लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। और कहते हैं कॉन्स्टिपेशन में बेनिफिशियल है आपको, अगर डिसेंट्री प्रिवेंट करना है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप चने लीजिए, चने को पानी में भिगोइए और रात में रख दीजिए इसको। सुबह होने पर आप चने को साइड में रखिए और चने के जो पानी होता है पानी को आप पी लें, इससे आपके पेट को इडली रिलीफ मिलेगा। और कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में आपको क्या करना है, आपको चने भिगोने हैं जैसे आपने पहले भिगोए थे और आपको फिर सुबह तक रख देना है। सुबह आपको क्या करना है, उसमें जिंजर थोड़ा सा मिक्स कर देना, मिक्स करने के बाद से उसको थोड़ा घोलना है, थोड़ी देर तक 5 मिनट वेट करना है और आपको फिर अब उसमें क्या करना है, आपको चना फिर साइड में रखना है और उसको जो घोल बना हुआ है उसको आपको पी लेना है। इसके बाद आपको क्या होगा, इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा और जो चना है चने को
आप मतलब कि 5-10 मिनट रुके अगर आप उसको भी खाना चाहें तो इसको खा सकते हैं, इससे आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा और आपके मतलब बॉडी की कंटेंट्स हैं वो सारे मतलब कि न्यूट्रिशन के कंटेंट जितने भी सारे वो मेंटेन रहेंगे आपकी बॉडी के अंदर। थैंक यू। और अगर आपको ये बॉडी आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।